तो भाई लोग कैसे हो आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया के बारे में जितनी भी अपडेट्स अभी तक की वो सारे अपडेट्स आप लोग को देने वाला हूँ। जैसे कि बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया आएगा या नहीं आएगा, या आने से पहले ही बैन हो जाएगा, क्या होगा, वो सब मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया को लेकर, कि छत्तीसगढ़ के जो MLA हैं उन्होंने PM मोदी को टैग करके उन्हें एक लेटर लिखा है कि बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया को बैन कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, वो क्यों लिखे हैं, क्या रीज़न है, वो सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, उन्होंने एक ऐसे स्टेटमेंट एक लिख के PM मोदी को ऐसे टैग करके लेटर लिखा है कि बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया को बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये वही PUBG मोबाइल है, इससे मतलब इंडिया के प्राइवेसी से छेड़छाड़ की जा रही है। बस वही सेम चीज़ है, बस इसका नाम बदल के आया हुआ है, उनका कहना ये है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर दूंगा, या इसके वजह से बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया आएगा या नहीं आएगा, या आएगा भी तो डिले होगा कि क्या होगा, वो सारे मैं आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को सारा न्यूज़ बता दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत लोग के मन में सवाल था कि कोई भी एप्लीकेशन वो लॉन्च होने से पहले ही बैन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट एक ही आंसर है कि नहीं हो सकता है। कोई भी जब तक वो नहीं आएगा तो तब तक उसे देखा नहीं जा सकता है कि उस एप्लीकेशन में क्या है, कैसे क्या है, उस एप्लीकेशन का प्राइवेसी कुछ भी अभी किसी को पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आने से पहले तो बैन नहीं हो सकता है, या तो वो आएगा उसके बाद बैन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इसके भी चांसेस बहुत ही कम है कि बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया जब आएगा तो फ्रेंड्स वो बैन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी एप्लीकेशन को तभी बैन कर सकती है जब उसे लगे कि हाँ, देश के सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ हो रहा है इस एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन क्राफ्टन ने पूरा ही सॉल्यूशन, जो भी PUBG मोबाइल से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम था, यही प्रॉब्लम था कि प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ हो रहा था, तो फ्रेंड्स क्राफ्टन ने जो न्यू गेम लॉन्च किया तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही उसको उस हिसाब से मॉडरेट किया है कि ऐसा कोई भी प्राइवेसी प्रॉब्लम ना हो गवर्नमेंट को। यार मतलब कुछ भी, आप ही सोचो ना यार, इतनी बड़ी क्राफ्टन कंपनी इतने पैसे खर्च करके, जबकि उसे पता है कि हम लोग इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, ये जो बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया, इसे इंडिया में लॉन्च करना है, यानी कि सारा प्राइवेसी का उन लोगों ने ध्यान रखा है, वो फिर ऐसे बेवकूफ़ी क्यों करेंगे जो कि इंडिया को प्राइवेसी की छेड़छाड़ हो। इंडिया जो हमारा गवर्नमेंट है वो एक किसी एप्लीकेशन को इस वजह से नहीं बैन कर सकता है कि उसके वजह से लोग उसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लोग अपना काम धंधा छोड़ के उसे खेल रहे हैं, इस वजह से वो किसी भी चीज़ को बैन नहीं कर सकता है। उसके लिए भी एक एक्ट बनी हुई है। हाँ, ये बन कर सकता है कि अगर हाँ इंडिया के प्राइवेसी के साथ या देश की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ हो रहा होगा तो फिर वो बैन कर सकता है। अब लोग गेम खेलकर सुसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि मतलब कि गवर्नमेंट उसको बैन कर दे, या लोग गेम ही खेल रहे हैं काम धंधा छोड़ के, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि गवर्नमेंट इसको बैन कर दे। तो फिर सिंपली मेरे थिंक यही है कि एप्लीकेशन बैन नहीं होगा, वो सारा जितना भी प्राइवेसी है वो सब कुछ ये जो क्राफ्टन नया बनाकर लेकर आया है बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया को, वो सब कुछ ध्यान में रख कर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसे तो बैन होने के चांसेस इस बार बिल्कुल भी नहीं है, और बाकी जो होगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि आने से पहले ही बैन हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसका तो वेट करो आने का, बाकी चांसेस तो बहुत ही कम है कि बैन होगा। तो फ्रेंड्स, सेकेंड बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अब आप लोग का मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया को लेकर, इसकी वजह से क्या डिले होगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी डिले नहीं होगा, वो बिल्कुल ही टाइम पर। तो फ्रेंड्स, नया नया पोस्ट आ रहा है, जैसे आप लोग बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया से अगर जुड़े हुए हैं तो वो डेली एक पोस्ट कर रहा है कि कमिंग सून। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी डेली नहीं होगा, आप लोग को बिल्कुल टाइम पे ही देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके टाइमिंग की बात की जाए तो फ्रेंड्स बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया का टाइमिंग का बताया जा रहा है कि 15 जून को ये प्ले स्टोर पे हम लोग को देखने को मिल जाएगा, यानी कि 15 जून को हम लोग इंस्टॉल कर पाएंगे बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया को। तो फ्रेंड्स, इसके साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ वही मिनिमम 1 GB के आसपास होगा, आप लोग को देखने को मिल जाएगा 1 GB के आसपास, और 2 GB रैम इसका डिवाइस कंफर्टेबल होगा उसमें आप लोग को चलेगा ये। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए तो यही अपडेट है, लेकिन आगे कोई भी अपडेट आता है बैटल ग्राउंड मॉल इंडिया को लेकर तो फ्रेंड्स मैं इस चैनल पर आप लोग को वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जितने भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रख, गुड बाय।